क्या आप नहीं जानते होंगे कि आपको आपके किसी वीडियो का YouTube ने कितना नोटिफिकेशन भेजा है? तो उसके लिए हम लोग कोई एक वीडियो ले लेते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने अपने लैपटॉप फाइंड वीडियो को ले लिया और उसमें देखेंगे कि कैसे कितने लोगों को YouTube ने मेरा नोटिफिकेशन भेजा। तो यहाँ पर इसके एनालिटिक में हम लोग जाएंगे। जब हम लोग एनालिटिक में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपका सारा डिटेल आ रहा है कि ये वीडियो कितने लोगों ने देखा और कितना वॉच टाइम हुआ इसका और कितने सब्सक्राइबर मिले आपको और कितने लोगों को गया। अगर हमको देखना है तो हम लोग रीच में जाएंगे। जब हम लोग रीच में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे दिखा देगा कि 40.1 के इम्प्रेशन था जिसमें इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट 13.3% है और 6.2 के लोगों ने इसको देखा। तो ये बहुत ही अच्छा इसका इम्प्रेशन भी है और बहुत ही अच्छा ये काम भी कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमको दिखा रहा है फनल डिपिक्ट हाउ मेनी टाइम्स अ थंबनेल वाज शोन टू व्यूअर्स ऑन यूट्यूब इम्प्रेशन हाउ फ्रीक्वेंटली दिस थंबनेल रिजल्ट इन अ व्यू क्लिक थ्रू रेट एंड हाउ दोज व्यूड ultimately led to watch time. Views and watch time that did not originated from impressions are not included in the report. अगर आपका views impression के through नहीं आता है तो वो report में add नहीं होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग नीचे चलेंगे। Advanced mode भी दिया है लेकिन पहले हम लोग funnel में देखेंगे कि किस तरह से हमारा इम्प्रेशन आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए इम्प्रेशन 13.8% आया है। हाउ मेनी टाइम्स योर वीडियो थंबनेल वाज शोन टू द व्यूअर्स तो ये 13.8% टाइम आया है जिसका व्यू 5.3K है जबकि देखिए 40.1K इम्प्रेशन दिया है और 5.3K व्यू है। व्यूज दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इम्प्रेशन बता रहा है यहाँ पे वॉच टाइम फ्रॉम इम्प्रेशन और उस इम्प्रेशन से हमारा वॉच टाइम जो है 154.24 है। और सिंस पब्लिश जब से है ये देखिए सिंस पब्लिश जब से है तो ये दिखाता है ये देखिए ये YouTube सर्च इसमें 84% आ रहा है। सजेस्टेड वीडियो 5.8% आ रहा है। चैनल पेज से 3.3% आ रहा है और इस तरह से आपका ये सब कुछ दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक आई बटन है तो जब हम लोग उसको क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कि YouTube रिकमेंड कर रहा है 13.8 लोगों को और रिकमेंडेड ऑन वॉच पेज 10.6 है और रिकमेंडेड ऑन होम पेज 3.3 है। व्यूअर्स सीक योर चैनल 86.2% और आपके चैनल को इतने लोग देख रहे हैं जिसमें से हम लोग का ये देखे दिखा रहा है कि बेल नोटिफिकेशन केवल 185 लोगों को जा रहा है क्योंकि इतने लोगों ही ने आपकी बेल को ऑन कर रखा है। तो नोटिफिकेशन जाएगा कैसे जब उन्होंने ऑन कर रखा है और उन्हीं को केवल दिखाएगा जो लोग इस समय करेंट उसमें वॉच कर रहे हैं या जिन्होंने साइन आउट कर दिया उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो आप अपने व्यूअर्स को प्रमोट करिए कि वो आपके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन सबके पास जाए और तभी आपके वीडियो पर क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा और व्यूअर्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि कितने प्रपोर्शन ट्रैफिक आपके इस पर आ रहा है और इसके क्लैप टू कौन से कीवर्ड से आपका वीडियो सर्च किया जा रहा है और
यहाँ पर प्लेलिस्ट की फीचरिंग भी बता रहा है, तो इस तरह से सारा कुछ वो बता दे रहेगा कि आपका कैसे करना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम नोटिफिकेशन कैसे भेजें सब लोगों को कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो यहाँ पर रीच के बाद एंगेजमेंट आता है। एंगेजमेंट में देखिए ये आ रहा है, रीच में हमारा उसने दिखाई दिया कि कहाँ कहाँ कितने लोगों को पहुंचा। और ऑडियंस में बता देगा कि कितने ऑडियंस हैं। लेकिन अभी हमें नोटिफिकेशन देखना है, तो हम लोग अपने मेन यूट्यूब स्टूडियो पे चलेंगे और वहां पर देखेंगे। नोटिफिकेशन कहां से सेट किया जाता है, हाउ टू सेट नोटिफिकेशन टू ऑल ऑफ योर व्यूअर्स। तो उसके लिए जब सेटिंग में आप जाइएगा, डिटेल्स में जाइएगा एनालिटिक की जगह। अभी देखिए यहां पर पीक था, फिर डाउन हुआ, फिर पीक आया, फिर डाउन हो रहा है। तो अब इसको हमें प्रमोट करना है, तो इसके या तो हम थंबनेल चेंज कर दें या तो हम उसका कीवर्ड चेंज करें और इसमें देखें कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है। हाउ टू डाउनलोड क्लैपर ऐप, ये तो आ ही नहीं रहा था इसमें। क्लैप टू फाइंड आ रहा है, क्लैप टू फाइंड माय फोन हमारा रैंक कर रहा है, तो वहाँ से क्लैप टू फाइंड ये वाला रैंक कर रहेगा। तो वहाँ पे जो कीवर्ड दे रहे हैं उसको वहाँ से लाकर यहाँ पर डाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड फोन विद अ फाइंड माई फोन ऐप, ये डाल सकते हैं। इसमें देखें ये आपको सजेस्ट कर रहा है, ये आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा फुल है तो वहाँ पर कीवर्ड नहीं जाएगा। अब सेटिंग में हम लोग देखते हैं कि सेटिंग में क्या करता है। ये देखिए उनका और डालने से वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो इसको एक हटा देते हैं और नीचे चलते हैं कि कहाँ पे नोटिफिकेशन सेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अलाउ एम्बेडिंग आ रहा है और पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर ये देखिए क्योंकि हमारा ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है ये वीडियो, इसलिए यहाँ पर ये टिक का हाईलाइट नहीं आ रहा है कि हम टिक कर सकें। जब आप न्यू वीडियो बनाइएगा तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। वैसे ये बाय डिफॉल्ट टिक ही होता है कि आपका नोटिफिकेशन सबके पास जाए। लेकिन अगर आपका व्यूअर बेल आइकॉन को नहीं प्रेस करता है तो आपका वीडियो वो उसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो आप अपने व्यूअर्स को प्रमोट करिए कि आपका नोटिफिकेशन सबके पास जाए। अगर आप अपने शॉर्ट को वायरल करना चाह रहे हैं और उसके नोटिफिकेशन सबके पास भेजना चाह रहे हैं, तो जो भी शॉर्ट आप भेजिए उसका प्रीमियर में भेज दीजिए। तो प्रीमियर में शॉर्ट 2 मिनट तक रहता है, तो आपका शॉर्ट जो है वो सबके पास पहुंच जाएगा उसका नोटिफिकेशन, चाहे वो बेल दबाया हो या ना दबाया हो, और आपका वीडियो के वायरल होने के चांसेस रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल टू द व्यूअर। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्म।